हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, 2 एन कंडीशन है इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज। और यहां पर दिया हुआ है, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 16, 4, 32 एंड 8। तो यहां पर बात करें कि जो सेल साइकिल की बात करते हैं, तो G1 फेज, G1 के बाद आती है S फेज, एस फेज के बाद आती है G2 फेज, और G2 फेज के बाद आती है एम फेज। एम फेज के बाद सेल्स वापस से जो है अगर डिवीजन करती है तो G1 फेज में एंटर कर जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूस। तो यहाँ पर बात की जाए कि जब 2N सेल जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 8 अवेलेबल है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर जो है G1 फेज में यहाँ पर दिखा रखे हैं 8। तो G1 फेज में क्रोमोसोम के नंबर अगर 8 है तो G1 के बाद एस फेज होगी सिंथेसिस फेज। तो इस फेज में अपन बात करें एस फेज, जीवन और एस, यदि जीवन में क्रोमोसोम के नंबर के 8 है और यहाँ डीएनए की मात्रा अगर अपन सी मान के चलें, तो ये सी जो कंसेंट्रेशन है, ये डीएनए की मात्रा एस फेज के बाद जो है जस्ट 2C हो जाएगी। डीएनए की मात्रा जस्ट डबल हो जानी है यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना कि क्रोमोजोम जो है यहाँ पर क्रोमोजोम जो इस फॉर्म में होगा, यहाँ पर क्रोमोजोम जो है जिसमें ये क्रोमोजोम डुप्लीकेट होने वाला है, तो जीवन का क्रोमोजोम इस तरह से दिखाई देगा। एस फेज में क्रोमोजोम जो है डीएनए रेप्लिकेट हो गया, तो इस तरह से जो है टेट्रावेलेंट की फॉर्म में यहाँ आप लोगों को दो क्रोमोजोम एक जगह जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो क्रोमोजोम के नंबर जो है यहाँ पर बदलने वाले नहीं है, तो यहाँ भी क्रोमोजोम के नंबर 8 ही मिलेंगे। लेकिन डीएनए की मात्रा की बात की जाए तो डीएनए की मात्रा जो है वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो आफ्टर द एस फेज डीएनए की मात्रा जो है वो डबल हो जानी है, लेकिन क्रोमोजोम के नंबर वही रहने हैं जितने हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। यहाँ पर इस सेल में अभी भी 8 ही क्रोमोजोम है। ये क्रोमोजोम जो है ये मोनोवेलेंट था, लेकिन ये बाइवेलेंट की फॉर्म में है, और ये बाइवेलेंट जो है एनाफेज में जाकर सेपरेट होंगे, और फिर से जो है कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन डीएनए की मात्रा भी जो है वापस से जो है सी हो जाएगी। दोनों जो सेल्स बनेंगे नए सेल, उनमें दोनों में सी सी मात्रा चली जाएगी। तो इस तरह राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। बेस्ट ऑफ लक।